Puss in Boots. पापा अब नहीं रहे, उन्होंने मेरे लिए जायदाद, फैक्ट्री और ये पुस को छोड़ा है। मेरे भाई ये जायदाद और फैक्ट्री हड़प लेंगे और बस ये पुस को मेरे लिए छोड़ेंगे। वो तो अच्छी जिंदगी जी लेंगे, पर मैं क्या कर सकता हूँ? पुस तो चूहों को खाकर आराम से गुजारा कर लेगा, पर मैं कैसे जीऊंगा? पुस अपने मालिक को परेशान देखकर बहुत दुखी था और फिर अपने हाथों से उसने जैक के गाल को सहलाया। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं जानता हूँ मैं आपके लिए बेकार हूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं आपकी किस्मत बदलूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। आप मुझे नए जूते लाकर दीजिए और साथ ही आपके रूम में पड़ा वो पुराना बैग। जैक के पास काफी कम पैसा था, पर वो जानता था कि पुस वफादार बिल्ली है, इसलिए एक चांस देना चाहता था। ठीक है, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हम बचे हुए पैसों से कल ही जाकर नए बूट्स खरीद लेंगे। मालिक, मैं वादा करता हूँ आपको पछतावा नहीं होगा। जैक ने पुस के लिए नए सुंदर टिकाऊ बूट्स खरीदे। पुस ने उन्हें पहना और उसे फिट तो आए, साथ ही वो स्मार्ट भी लग रहा था। अब देखेगा मालिक, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है और अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। उसने जैक के कमरे से पुराना बैग लिया, दो गाजर डाली और आगे निकल पड़ा। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। दो शरारती खरगोश बैग के पास आए। उसने उन्हें पकड़कर बैग में डाल के चेन बंद कर दी। फिर वो राजमहल के लिए निकल पड़ा और राजा से मिलने की ख्वाहिश जताई। महाराज को मेरा प्रणाम। मेरे मालिक मार्की ऑफ करेबा ने आपको सलाम और ये कीमती तोहफा भेजा है। अरे, ये तो बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इन्हें हलवाई के पास ले जाओ और रात के खाने में बनवाओ, और मेरी तरफ से अपने मालिक को शुक्रिया अदा करना। द मार्की ऑफ करेबा, मेरे महाराज। हाँ हाँ, मार्की ऑफ करेबा, पर कभी सुना नहीं है। खाना बहुत बढ़िया बना था, राजा और उसकी बेटी ने मजे से खाया। कुछ दिन बाद पुस फिर से राजमहल आया और इस बार दो बड़ी मुर्गियों के साथ। तो छोटे दोस्त, तुम्हारे मालिक कैसे हैं? सब खैरियत है महाराज, उन्होंने दुआएं और ये कीमती तोहफा भेजा है। एक और तोहफा? हाँ, वाह वाह, इस बार क्या भेजा है? मेरे महाराज, मालिक मार्की ऑफ करेबा ने आपके लिए मुर्गियाँ भेजी है, इसे कबूल कीजिए। ओह, बड़ी ताज़ा लगती है, मैं इन्हें रात को खाऊंगा। अपने मालिक को शुक्रिया कहना और उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहो। राजा और उसकी बेटी ने मुर्गियों को पूरे शौक से खाया, मार्की ऑफ करेबा के बारे में बात की। पुस राजा के साथ साथ अपने मालिक जैक के लिए भी एक दो चीजें ले जाता था। जैक और पुस छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे और जैक भी भूखा नहीं सोता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पुस का राजमहल में आना जाना लगा रहता था। मालिक ने तोहफा भेजा है ऐसा बोल के वो महल में घुस जाता था। महल के सारे नौकर चाकर भी अब मार्की ऑफ करेबा के बारे में बात करने लगे, जिसे तो ना किसी ने देखा था ना सुना था, इसीलिए सब बेचैन थे। अब वक्त आ गया है मेरे मालिक को राजा से मिलाने का, लेकिन ये होगा कैसे? ना तो मेरे मालिक के पास अच्छे कपड़े हैं, ना ही महल तक जाने के लिए घोड़ा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब पुस खरगोश पकड़ने निकला तो उसने कुछ लोगों को नदी के पास बात करते हुए सुना। फिर पूरी बात जानने के लिए वो लोगों के पास गया और उसने सुना कि राजा और उसकी बेटी कल यहाँ से गुजरने वाले हैं। तभी उसे बढ़िया आइडिया आया और वो घर भागा। मालिक सुनिए। रुको रुको, बात क्या है? मालिक, राजा से मिलने का वक्त आ गया है। बोस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं नहीं मालिक, यहीं से ही वक्त है। कल राजा उनकी बेटी के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं और यही एक सुनहरा मौका होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। मालिक, मेरी बात सुनिए प्लीज, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। जैक पूरी तरह तैयार नहीं था और उसे राजा से मिलने में डर लग रहा था। पुस बहुत वफादार है और कभी कोई गलती नहीं करता है। उसने मुझे हर दिन खरगोश और मुर्गियों के रूप में खाना दिया है, शायद उस पर एक बार तो भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। उम्मीद है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, बस हमें मुसीबत में मत डालना। फिक्र मत कीजिए मालिक, आपकी किस्मत बदलने वाली है और इस छोटे से झोपड़े में आपको कुछ ही दिन रुकना है। अगले दिन पुस जैक को नदी के किनारे ले गया जहाँ से राजा गुजरने वाला था। जैसे ही उसने राजा की सवारी आते हुए देखी, वो जैक के पास गया। मालिक जल्दी कीजिए, अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद जाइए,
क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। काश तुम्हें कोई समझा पाता पुस। पुस ने जैक के सारे कपड़े छुपा दिए और जैक के ठीक सामने चला गया। जैसे ही राजा की सवारी नजदीक आई, पुस चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो। राजा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और तुरंत पुस को पहचान लिया। प्रणाम महाराज, मेरे मालिक नदी में नहाने गए थे और कुछ चोरों ने उनके कपड़े चुरा लिए। उन्हें तैरना नहीं आता, वो डूब जाएंगे। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को जैक को नदी से निकालने और दूसरे सिपाही को जैक के लिए नए कपड़े लाने का आदेश दिया। सिपाही जल्दी से एक नीले और सुनहरे रंग का शाही सूट लाया। जैक सुंदर था और नए कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। आखिरकार मार्की ऑफ कैरिबा मिल ही गए, कहना पड़ेगा बहुत सुंदर है। राजा ने जैक को अपने रथ में बिठाया जहाँ उसकी बेटी भी मौजूद थी। जैक बहुत ही शर्मीला था, वो थोड़ा सा घबरा गया। ओ आइए हमारे साथ बैठिए, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजकुमारी की मुस्कुराहट देखकर जैक उसके प्यार में पड़ गया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। जब पुस ने अपने मालिक को राजकुमारी के साथ बैठे देखा तो उसने सिपाही को बग्गी धीरे से चलाने को बोला और खुद तेजी से भाग गया। उस फौरन एक खेत में पहुंचा और वहां के किसानों से बोला, यहां पर राजा की सवारी आ रही है, अगर किसी ने पूछा तो तुम कहना कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। अगर किसी ने होशियारी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सारे किसान पुस की धमकी से डर गए और बात मान गए। उस दिन बाहर का मौसम बढ़िया था तो राजा ने अपने सिपाही को आराम से चलाने का आदेश दिया। वाह वाह, कितना खूबसूरत खेत है ये, इस जगह का मालिक कौन है बताओ? जैसा कि पुस ने कहा था, सब ने बोला कि जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। पुस ने आगे भी किसानों को ये बता दिया था कि ये जगह मार्की ऑफ कैरेबा की है। कितना सुंदर बकरियों का झुंड है, इनका मालिक कौन है? मेरे महाराज, ये भी मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। ठीक है, और ये बड़ी सी अनाज की जमीन भी मार्की ऑफ कैरेबा की है क्या? हाँ मेरे महाराज, ये सब कुछ हमारे दयालु और नेक दिल मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के हैं। राजा बहुत ही खुश हुआ। जैक सिर्फ सुंदर और ईमानदार ही नहीं बल्कि अमीर भी था। दूसरी ओर पुस क्या कर रहा था इस बारे में जैक को कोई अंदाजा नहीं था। वो तो राजकुमारी के प्यार में इतना खो गया था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। इतने में पुस फौरन दूसरे राजमहल में पहुंचा जिसका राजा ओगर था। ओगर का सिर्फ आलिशान महल ही नहीं बल्कि पुस ने जो भी जमीन, खेत और जानवरों को अपने मालिक का बताया था वो सारे ओगर के थे। प्रणाम सर। पुस इन बूट्स, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लूं। अच्छा। ओगर बहुत ही घमंडी था और जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो उसे बहुत अच्छा लगता। सब लोग आपके ही बारे में बात करते हैं, सुना है आप खुद को किसी भी चीज में बदल सकते हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान, ये देखो। अचानक ओगर के बदले पुस के सामने एक बड़ा सा शेर आ बैठा था। पुस डर गया और खिड़की से बाहर कूद गया, उसकी जान खतरे में थी। डरा दिया ना, बताओ अंदर आ जाओ, कैसी लगी मेरी शक्तियाँ? आपने तो डरा ही दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब शांत हो जाओ। पुस ने ओगर की तरफ देखा। अब क्या मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं? ओ नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बात क्या है? मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मैं कुछ सोच रहा था। बात क्या है जल्दी बताओ। सर आप पहले से ही इतने बड़े हैं तो शेर में बदलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, पर क्या आप खुद को किसी छोटी चीज में बदल सकते हो जैसे कि चूहा या खरगोश? ओ तो तुम्हें अब तक मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ, फिर ये लो। फिर क्या था, ओगर एक चूहा बन गया। इसके पहले कि वो संभल पाता पुस ने इस बात का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। तो छोटे ओगर यही तुम्हारा अंत था। जैसे ही पुस ने ओगर को खाया पूरे महल में जान सी आ गई। जिन सभी लोगों को शैतानी ओगर ने कैद किया था वो वापस इंसान बन गए और हर जगह खुशी का माहौल छा गया। सभी ने पुस को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। ओह तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए।
कुछ देर में यहाँ राजा आने वाले हैं और तुम सबको मार्की ऑफ कैरेबा का स्वागत करना है। वही तुम्हारे नए राजा हैं। फिक्र मत कीजिए, वो ओगर की तरह बदमाश बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत ही दयालु और अच्छे राजा हैं। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। बढ़िया, अब सब लोग हॉल में अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए जमा हो जाओ। वो जल्द ही यहाँ आते ही होंगे। जब राजा ने दूर से महल को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि इसका मालिक कौन होगा। जैसे ही वो करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुस खड़ा था। पुस ने सलाम किया। आपका स्वागत है महाराज, मेरे मालिक मार्की ऑफ कैरेबा के इस शानदार महल में। ओह ओह, ये तो गजब है, मेरे महल से भी ज्यादा खूबसूरत। मुझे यकीन है ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगा। आप खुद ही देख लीजिए, आइए महाराज। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने पुस की ओर देखा और पुस ने आंख मारी। फिर जैक को समझ में आया कि ये सब पुस का करा धरा है और तुरंत उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। राजा ने महल को और वहाँ खड़े सभी लोगों को बड़ी गौर से देखा और बहुत खुश हुए। तुम वाकई में एक नेक दिल, ईमानदार और सुंदर लड़के हो। मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा अगर तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाओगे। ओह, जैक को और क्या चाहिए था। उसके वफादार पुस ने उसे एक आलीशान महल का मालिक बना दिया था और राजा ने अपनी जमीन जायदाद के साथ साथ अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ भी उसके हाथ में दे दिया था, जिसे वो बेहद प्यार करता था। जी महाराज, आपकी बेटी से शादी करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं उसका मरते दम तक ख्याल रखूंगा। ओह, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम इस राज्य को दिल से और ईमानदारी से संभालोगे। फिर जैक और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे और पुस, उसे कुछ तोहफे तो मिले ही, साथ ही बहुत लाड प्यार भी मिला। और हाँ, खुद के मजे और थोड़ी कसरत के लिए पुस ने चूहों को पकड़ने का अपना चहिता काम कभी नहीं छोड़ा।